क्या साल 2022 में होने जा रहे हैं 5 महाक्लैश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाय। दोस्तों, कोरोना का कहर एक बार फिर से पूरे देश में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में निर्माताओं ने अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए वो डेट्स चुनी है जिनके आसपास हॉलीडेज है। यही वजह है कि 2022 में बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में आपस में टकराएंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, कौन कौन सी फिल्में है ये। 18 मार्च 2022 के दिन अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, रणबीर कपूर की शमशेरा, रामचरण जूनियर एनटीआर की ट्रिपल आर रिलीज होने की उम्मीद है। यानी कि 18 मार्च को होगा ट्रिपल क्लैश। इसके बाद एक और बड़ा क्लैश, केजीएफ चैप्टर 2 जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म है, वही लाल सिंह चड्ढा जिसका इंतजार बेसब्री से है। दो बड़े सुपरस्टार, दो स्टार्स की बड़ी फिल्में और बड़ा क्लैश होने जा रहा है। अब देखना होगा दोनों में कौन आगे निकलेगा। वहीं दोस्तों, अगर ट्रिपल आर 18 मार्च को रिलीज नहीं होगी तो फिर इसे 28 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। और फिर ऐसे में 3 बड़ी फिल्मों का क्लैश हो सकता है। एक तो ट्रिपल आर है, दूसरी है हीरोपंती 2 और तीसरी है रनवे 34। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ट्रिपल आर में अजय देवगन है और रनवे 34 में भी अजय देवगन है, यानी कि दोनों ही फिल्में आपस में टकराएंगे और आमने सामने खुद को ही रखना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, इसके बाद आदि पुरुष और रक्षाबंधन का क्लैश होगा 11 अगस्त 2022 में। और इस साल क्रिसमस वीकेंड के दौरान आपको गणपत और मेरी क्रिसमस की भिड़ंत देखने को मिल सकती है। गणपत में जहां आपको नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन, वहीं मेरी क्रिसमस में होंगी कैटरीना कैफ। तो दोस्तों, अगर ये क्लैशेस होते हैं तो कौन कौन फिल्में आगे निकलेंगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।